हम कमर तक पानी में इस समय खड़े हैं, यहाँ गाड़ियाँ तो नहीं चल सकती, हाँ बोट का इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगहों पर हालत नौबत इसी तरह की है। सर ये वो जगह नहीं है जहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है सिवाय बोट के। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एक ज़माना था, बहुत साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है, उस वक्त खैर यू नो वी वर ऑल देवे लेवल के, आप तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जी, हम लोग स्कूल में भी नहीं थे उस वक्त। लेकिन ये कहा जाता है कि मनीला शहर में फिलीपींस में क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि स्टिल्ट्स के ऊपर घर बनाएंगे, यानी बांसों के ऊपर, और जब भी फ्लडिंग होती थी बोट्स निकल आती थी, सब लोग बोट्स से सफ़र किया करते थे। ऐसे ही ढाका शहर का हाल था जी, इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा जी। मुझे लगता है कि मुंबई शहर में, मजाक नहीं कर रहे हैं, तकरीबन वही करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे वी विल हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग एज फार एज दिस प्लेस इज कंसर्न, दिस प्लेस इज अ कंप्लीट राइट ऑफ। एट द मोमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कमर तक पानी है और ये पानी बढ़ रहा है, पानी थमने का नाम नहीं ले रहा। और अभी अभी आपने देखा लोगों में कितना रोष है। आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोगों में गुस्सा बहुत है, लोग चाहते हैं कि प्रशासन उनके लिए कुछ करे, लेकिन जहाँ तक लोगों का प्रश्न है, लोगों को नेतृत्व चाहिए, लोगों को एक संगठन चाहिए जिसके तहत वो कुछ ना कुछ कर सकें, अकेला शख्स कुछ नहीं कर पाता। तो यहीं पर बाहर यानी विदेश में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, कुछ हो जाता है, तो सब लोग बाहर आकर के या कोर्ट चले जाते हैं, पीआईएल फाइल करते हैं, ना जाने क्या कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीआईएल यहां भी फाइल नहीं हुई, सब कुछ करके थक चुके हैं। यहां पर भी फाइल हुई है, 26 जुलाई के दिन भी यहां पीआईएल फाइल हुई, कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ये सब कीजिए, कोर्ट के सामने कह दिया गया कि हमने किया, क्या किया उसका नजारा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही,